भारतीय मजदूर संघ की तरफ से 25 जुलाई से सरकार जगाओ आंदोलन की शुरुआत हो रही है। देश के सभी विधायकों, नेताओं व मंत्रियों को संस्था एक ज्ञापन सौंप रही है, जिसमें प्रमुख मांगों को रखा गया है। ऐसा नहीं है कि मांगों में सिर्फ सार्वजनिक परिवहन चालकों या कर्मचारियों की ही मांगों को शामिल किया गया है, बल्कि इसमें निजी परिवहन के चालकों की मांगों को भी शामिल किया गया है। आइए हम आज आपको बताते हैं कि 25 जुलाई से हो रहे इस आंदोलन में किन किन मांगों को शामिल किया गया है। सार्वजनिक परिवहन सेवा के मुद्दे, राष्ट्रीय परिवहन नीति लागू हो, परिवहन क्षेत्र हेतु अखिल भारतीय कैडर का निर्माण करें, राज्य परिवहन कर्मियों को राज्य कर्मी घोषित करें, प्रबंधकीय दायित्व निर्धारण करें, वेतन भत्ते एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिलाभ का समय पर भुगतान करें, राज्य परिवहन कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना लागू करें, यात्री परिवहन सेवा को शिक्षा और चिकित्सा की तरह सेवा कार्य घोषित करें, सड़क मार्गों के राष्ट्रीयकरण की समयबद्ध योजना लागू करें, ठेका कर्मियों को नियमित करें। इसके साथ ही निजी परिवहन के मुद्दों में निजी परिवहन कर्मियों के लिए कल्याण बोर्ड की स्थापना करें, सभी प्रकार के वाहनों के बीमा, परमिट, लाइसेंस का समय 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाए और वाहनों पर लगने वाली सभी प्रकार की पेनल्टी को 1 वर्ष के लिए खत्म किया जाए, सभी वाहन चालकों को लॉकडाउन की अवधि के दौरान बैंक से लिए लोन के ब्याज में छूट दी जाए एवं सभी वाहन चालकों को हर माह 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए, सभी वाहन चालकों को सरकारी राशन उपलब्ध कराया जाए, देशभर के सभी वाहन चालकों को ESIC के दायरे में लाया जाए, पुलिस द्वारा जब्त किया गया वाहन छोड़ने से पहले चालक की जमानत होना अनिवार्य किया जाए। अब देखना होगा ट्रांसपोर्ट के इन मांगों को किस प्रकार सरकारें गंभीरता से लेती हैं। वहीं DTC के कर्मचारियों को भी क्या दिल्ली सरकार से कोई राहत मिलेगी या नहीं, या फिर दिल्ली सरकार का क्लस्टर प्रेम इसी तरह बरकरार रहेगा। वहीं परिवहन के अन्य मुद्दों पर दिल्ली के चालकों मालिकों को मदद मिलेगी या एक बार फिर दिल्ली सरकार ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े लोगों को निराश करेगी। न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।